हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रीम स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज एक नए वीडियो लेकर आए हैं फिर से। वो वीडियो है रेलवे एसएससी और एमटीएस डीआरडीओ से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से सामान्य ज्ञान से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का। जी दोस्तों, यह पिछले कई वर्षों से पूछे गया क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन का हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे और उसका आंसर बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिए और इस प्रैक्टिस सेट वन है, इस तरह का हम प्रैक्टिस सेट टू थ्री करके अनेकों सेट लाएंगे। तो उस सभी सेटों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो बताइए कि मुझे कैसा लगा, तो हम आगे भी इस तरह का वीडियो लाएंगे। तो जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सामान्य विज्ञान से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास सेट, आंसर एंड डिस्कशन सहित। तो चलते हैं वीडियो की ओर और अपने टॉपिक की ओर और बढ़ते हैं उस 50 क्वेश्चन की ओर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगले आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए प्रश्न नंबर वन, आज का हमारा प्रश्न नंबर वन है कि अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है। तो अंडे में जो है वो आपको विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख रहे थे कि प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, तो आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि विटामिन सी की कमी से, जो यहाँ पर हम आपको बता दें, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और इसमें मसूड़े, सूजन तथा रक्तस्राव तथा दांतों का कमज़ोर होना एवं अस्थियों का दर्द कमज़ोर, ये सभी जो काम होता है ये विटामिन सी के वजह से होता है। विटामिन सी के वजह से ही जितने भी खट्टा सामान होता है जैसे कि फल हुआ, नींबू हुआ, संतरा हुआ, ये सभी में विटामिन सी ही मौजूद होते हैं। साथ में विटामिन सी का रासायनिक नाम भी हम बात कर देते हैं, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो वन नंबर क्वेश्चन का जो आपको जितना भी डिस्कर्स बताया जा रहा है उस सभी को आप अपने कॉपी में लिखे। एक क्वेश्चन से आपको करीब करीब 5 क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं क्यों। तो तारों को टिमटिमाते हुए हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। तो अब इस प्रकाश के अपवर्तन के कारण का डिस्कशन देखिए कि वायुमंडल में वायु की विभिन्न घनत्व वाली विभिन्न परतें पाई जाती है। जब तारों से लगातार प्रकाश चलता है तो उसका विभिन्न परतों में लगातार अपवर्तन होता है, इसलिए हम लोगों को तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है। तो ऑप्शन है रुई, नायलोन, रून और रेशम। जल्दी से जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा नायलोन। और इसका डिस्कशन जो है, सो नायलोन शब्द जो होता है यो न्यूयॉर्क के NY तथा लंदन के LON, न्यूयॉर्क के NY और लंदन के LON शब्दों से मिलकर क्या बना हुआ है, नायलोन बना हुआ है। और यह जो होता है पॉलीमाइड रेशे का उदाहरण भी के रूप में भी जाना जाता है। इसका निर्माण सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि नायलॉन का निर्माण कब किया गया था, तो 1935 ईस्वी में किया गया था। और सर्वप्रथम नायलॉन का जो काम किया गया था 1939 ईस्वी में महिलाओं के जूड़ा बनाने का काम किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर अब 4 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा दोस्तों, लेकिन सभी वीडियो का डिस्कशन आपको मिलेगा। ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है, उसे क्या कहते हैं। यहाँ बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ इसका आंसर होगा एस्टेराइडस, लेकिन यह अगर हिंदी में क्वेश्चन दे देगा तो इसका आंसर होता है क्षुद्र ग्रह। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर बात करते हैं। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किस तरह से किया जा सकता है, कि सूती और ऊनी रेशों में अंतर किस तरह से ज्ञात कर सकता है, उसको छू कर ज्ञात करेंगे या जलाकर या NaOH क्रिया से करके या H2SO4 की क्रिया से करके। तो इसका सटीक आंसर होगा जलाकर, जलाकर हम सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। सूती कपड़ों को जलाने पर राख में परिवर्तित हो जाती है और जबकि ऊनी रेशे को जलाने पर करी हो जाती है। और इस तरह से हम दोनों को पता कर लेंगे कि सूती कौन है और ऊनी कौन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है। क्वेश्चन ऑप्शन है घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा और शून्य हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा घट जाएगा, क्योंकि गलनांक पर दाब का प्रभाव वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक कम हो जाता है। एग्जाम्पल में जैसे बर्फ हो गया, ढलवा लोहा हो गया, ये सभी
बर्फ पर दाब बढ़ाने से गलना, इस तरह का एग्जाम्पल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं कि सूर्य उदय होते समय डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि विकिरण और जलवाष्प और धूलकण के या परिकर्णन। इसका सही आंसर होगा परिकर्णन के कारण सूर्य डूबते समय और उगते समय लाल दिखाई पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर एट का है, जो घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर होगा बी, समांतर क्रम में, यानी कि पार्लर श्रेणी में, यानी कि घरों में जो विद्युत संयंत्र होते हैं वो समांतर क्रम में लगाया जाता है। घरेलू विद्युत सप्लाई घरों में दी जाने वाली वोल्टेज, इस प्रकार का आपको पूछा जाएगा कि कितना वोल्टेज लगभग होता है। तो लगभग 220 वोल्ट जो होता है, 220 वोल्ट जो होता है, वो घरों के सप्लाई में काम आता है, और यह एसी धारा होती है। इसकी आवृत्ति जो होती है वह 50 हर्ट्ज। जिस प्रकार का क्वेश्चन बना के देगा कि घरों में विद्युत संयंत्र जो जोड़े जाते हैं उसकी आवृत्ति कितनी होती है लगभग, तो वहाँ पर आंसर होगा 50 हर्ट्ज, अर्थात इसकी ध्रुवता प्रति सेकेंड 100 बार बदलती है। और हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर नाइन है कि लोहे में जंग लगना एक है क्या कारण है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सारा एग्जाम में दिया गया है, तो बताइए आप भी कि कौन सा आंसर होगा, भौतिकी क्रिया या रासायनिक क्रिया या सामान्य क्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर होगा रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया की वजह से लोहे में जंग लगता है। लोहे का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है, और लोहे में जंग लगने पर बना पदार्थ फिर सल्फ्यूरिक ऑक्साइड होता है, यह भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाती है। और लोहे पर जंग हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण लगता है। बार बार कहीं पूछा जाता है कि ऊपर से दे देगा कि लोहे पर जंग हवा की नमी और किस वजह से लगता है, नीचे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह का कुछ ऑप्शन दे देगा, तो आपको वहाँ पर बिल्कुल लगाना है O2 ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर अब 10 पर चलते हैं कि केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है। चालन का, संवहन का, विकिरण का, कंडेंसन, कन्वेंशन, रेडिएशन एंड कंडेंसेशन। तो इसका आंसर होगा संवहन, इसका सटीक आंसर होगा संवहन। अब देखते हैं कि संवहन गर्म होने की वह क्रिया है जिसमें पदार्थ के गर्म अणु ऊष्मा लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। द्रव एवं गैस इसी विधि से गर्म होते हैं। जब किसी पात्र में जल रखकर आप उसे आग पर चढ़ाते हैं तो आग की ऊष्मा पेंदी को गर्म करती है, फिर गर्म पेंदी से ऊष्मा निकालकर पेंदी से स्पर्शित जल को गर्म करती है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं कि कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है, ऑप्शन विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी और प्रोटीन। तो इसका सटीक आंसर होगा प्रोटीन। अब प्रोटीन जब आंसर आया तो प्रोटीन से संबंधित कुछ बात करते हैं कि प्रोटीन को सबसे पहले जेलियस नामक वैज्ञानिक ने 1938 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1938 ईस्वी में जेलियस नामक व्यक्ति ने खोजा था। प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें एमिनो अम्ल कहते हैं। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। जी दोस्तों, पूरे 20 प्रकार की अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है मानव शरीर में, जिनमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है और 10 भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। भोजन में हम इन्हें एमिनो अम्लों के रूप में लेते हैं, इसके प्रोटीन के रूप में आ जाता है, जैसे दूध, अंडा, दालें, पनीर, मांस, मछली इत्यादि प्रोटीन के प्रमुख स्रोत। अब क्वेश्चन नंबर 12, उस कथन को यहाँ छाटिए। इस प्रकार से अब क्वेश्चन आने लगे बहुत सारे एग्जाम में, जब कंपटीशन बढ़ते जा रहा है तो एक आंसर नहीं, आपको चारों आंसर के बारे में जानना आवश्यक है, तभी जाके आप एक आंसर उसमें सही छाट सकते हैं। तो उस कथन को छाटिए जो सत्य है। तो यहाँ कथन है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर समान होता है, या किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार को प्रभावित करता है, और ऑप्शन सी है कि किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है, या किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही हो और अस्थिर रहता है। तो इसका आंसर जो है, इसका सटीक आंसर है डी,
इसका सटीक आंसर डी है कि किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही और अस्थायी रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। 13 है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको बनाना पड़ेगा कि किसी बीकर में रखे हुए गर्म पानी को 70 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में कमी आने के लिए 8 मिनट का समय लगता है, तो बताइए कि यदि इस गर्म पानी को 80 डिग्री से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो क्या समय लगेगा। ऑप्शन है ए 8 मिनट से कम और बी 8 मिनट से ज़्यादा। तो इसका सटीक आंसर होगा 8 मिनट से कम। जी इसे बना के देखिएगा, इसका क्वेश्चन आंसर होगा 8 मिनट से कम। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, सॉरी 14 की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि फॉरेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किसी तापमान का पाठ्यांक समान होगा कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसका सही आंसर होगा डी -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉरेनहाइट और सेल्सियस का माप समान होता है। क्वेश्चन नंबर 15, ध्वनि उत्पादक तथा ध्वनि प्रवर्तित करने वाली सतह की दूरी कम से कम कितनी हो कि हम उस ध्वनि को प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनने में सक्षम हो जाएं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए जल्दी, 10 मीटर, 17 मीटर, 34 मीटर और 100 मीटर। दोस्तों एक और बात कि 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो एक बार वीडियो को रोक रोक कर टिक करने का जरूर कोशिश कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ। तो इसका आंसर जो होगा सटीक वो हम बात कर लेते हैं कि चार ऑप्शन में से क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 17 मीटर। जी दोस्तों सही बात है 17 मीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि एक 100 वाट और 250 वोल्ट की क्षमता वाले बल्ब में कितनी विद्युत धारा प्रभावित होगी, 0.4 एम्पियर। ध्वनि की गति सर्वाधिक किस चीज़ में होती है, ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है, वायु में, निर्वात में, स्टील में, जल में। तो इसका आंसर होगा स्टील में, स्टील इसका आंसर होगा सटीक। विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है, विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है किसके द्वारा, किसके द्वारा बताइए जल्दी। इसका आंसर है वाष्पीकरण, इवेपोरेशन द्वारा विलय को विलयन से अलग किया जा सकता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, इसका सटीक आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन है अपने मौलिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए, और हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, या हवा में वाष्पीकरण होने लगता है, या हवा में यह जलना प्रारंभ कर देता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, इसलिए सोडियम को मिट्टी तेल में या किरासन तेल में रखा जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि चेचक को टीके का आविष्कार किया था, किसने किया था, तो इसका आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है, ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, कौन करता है बताइए। इसका आंसर होगा ए यानी कि आरबीसी, आरबीसी शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, एक बार धड़कने के लिए हृदय को कितना समय लगता है, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड लगता है। आंत्र ज्वर किसके उदाहरण है, आंत्र ज्वर जीवाणु के उदाहरण है, आंत्र ज्वर जीवाणु के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा, तो इसका सटीक आंसर होगा सी यानी कि ए बी और ए या बी या ए बी तथा ओ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है, तो जल्दी बताइए। इसका आंसर जो होगा टिटनस संक्रामक रोग नहीं है, जहाँ की क्षय रोग, हैजा और डिप्थीरिया ये सभी संक्रामक रोग हैं। शुष्क सेल में एनोड क्या होता है, शुष्क सेल में एनोड क्या होता है, ऑप्शन है तांबा, जस्ता, कैडियम, ग्रेफाइट, सटीक आंसर क्या होगा, इसका सटीक आंसर होगा जस्ता यानी कि बी। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है, क्वेश्चन है थ्रोम्बोसिस, हीमोफीलिया, निमोनिया और इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर होगा हीमोफीलिया। निम्नलिखित में विटामिन बी1 कौन सा है, विटामिन बी1 के बारे में पूछ रहा है, रेटिनॉल, थायमिन,
रिबोफ्लेविन और एस्कॉर्बिक एसिड। वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है विटामिन B1 का, तो इसका सही आंसर होगा थायमिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या के अवरोही क्रम में सजाइए, तो यहाँ वरुण, बृहस्पति, शनि और मंगल है, तो इसको आप सजा दीजिएगा कौन से ग्रह में, अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में इसको सजाने के बाद इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 3, 2 और फिर 1 और 4, यानी कि शनि, उसके बाद बृहस्पति और उसके बाद हो जाएगा वरुण और फिर मंगल। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग होता है 12,750 किलोमीटर, 12,750 किलोमीटर लगभग, अगर सटीक पूछा जाएगा तो 12,756 किलोमीटर होता है। और दक्षिणी विषुवतीय व्यास का लगभग 12,750 किलोमीटर और सटीक होता है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा, तो इसका सही आंसर होगा एक घंटा अंतर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है एक कि 32 वृत्ताकार आकृति वाला USSR द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि स्पुतनिक उपग्रह का नाम है। और क्वेश्चन नंबर 33 उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है, उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है, इसका आंसर होगा RQ/2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ होता है, कहाँ से होता है, पिघलती है, कहाँ से पिघलती है, सॉरी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सबसे निचले स्तर से पिघलती है। क्वेश्चन नंबर 35 20 किलोग्राम के द्रव्यमान को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या है, तो इसका आंसर होगा 200 जूल। उसके बाद है निम्नांकित रेखा चित्र में, अब चित्र दिखा रहा है एक, उसको आप बनाइएगा। निम्नांकित रेखा चित्र में ए व बी के स्थान पर कम से कौन से उपकरण लगाए जा सकते हैं, वोल्ट मीटर ए मीटर, गैल्वेनोमीटर ए मीटर, तो इसका सटीक आंसर जो होगा वो होगा ए मीटर और वोल्ट मीटर, ए मीटर और वोल्ट मीटर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, लाइडी डिटेक्टर यंत्र से सूचना मिलती है, किस चीज़ के सूचना मिलती है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा शरीर के नाड़ी या श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तनों की सूचना मिलती है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि किसी अक्रिय गैस इनर्ट गैस के बाह्यतम कोशा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन नंबर 38 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 39 प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री कौन सी है, तो उपर्युक्त सभी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, ये सभी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य सामग्री है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 जो है आपका वो है कि मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है किस चीज़ में, मायोसिन प्रोटीन किस चीज़ में पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा पेशी में मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाया जाए तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान कितना होगा, तो इसका सही आंसर है 1 यूनिट होगा। भूलना नहीं दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, लगभग अब ख़त्म होने वाला वीडियो, आपका 50 क्वेश्चन पूरा होने वाला है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी यह अच्छी अच्छी क्वेश्चन मिल सके। ये सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, 42 क्वेश्चन है आपका, परमाणु सिद्धांत का जन्मदाता जो है वो डॉल्टन है। कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है, तो इसका आंसर जो होगा वो 165 मीटर पर जाने पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड 165 मीटर ऊपर जाएगा तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाएगा। उसके बाद है 44 किसी श्रेणी के यौगिकों में 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को क्या कहते हैं, उस श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहा जाता है, समजातीय श्रेणी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि कोलाइड का उदाहरण माना जाता है, कोलाइड किसका उदाहरण माना जाता है,
धुआं का, पीतल का, चीनी का शरबत या गोंद का? तो इसका सटीक आंसर धुआं होगा। गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगीन हो जाता है, तो जार में कौन सी गैस हो? तो जार में क्लोरीन गैस होगी। उसके बाद 47 क्वेश्चन है कि सामान्य स्वास्थ्य मनुष्य का रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो इसका सटीक आंसर होगा 120/80। पायरोमीटर क्या है? पायरोमीटर से क्या होता है? तो पायरोमीटर से सौर विकिरण को मापने का यंत्र है पायरोमीटर। और क्वेश्चन नंबर 49, आइंस्टीन के समीकरण E=mc² में सी से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ सी से जो तात्पर्य होगा प्रकाश की गति। और आज का इस प्रैक्टिस सेट का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है वो 50 नंबर क्वेश्चन है कि गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव की सूजन कम हो जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को ऑस्मोसिस कहते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो था ये साइंस का था और जीएस का था, जनरल साइंस का क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम जीके का भी क्वेश्चन और करंट अफेयर्स का भी वीडियो बनाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।